13 जनवरी को जन्मे हैं अगर आप, तो आप लोग दिखने में बेहद स्मार्ट होते हैं। विपरीत लिंगी आपकी ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। या तो वे आपसे दोस्ती के इच्छुक होते हैं या अपने पार्टनर के रूप में पाने की आपको इच्छा रखते हैं। बिना बात के तर्क वितर्क करने वाले लोगों को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, इंटेलिजेंट हैं। विद्यार्थी अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं तो उसमें उत्तीर्ण रहते हैं। अतः आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम और कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते रहना चाहिए। बहुत ही सोच समझ कर काम करने वाले लोग होते हैं आप। कभी भी किसी भी मुद्दे पर जल्दी से अपनी सहमति नहीं देते हैं। गुस्सैल स्वभाव के भी हैं लेकिन दिल के साफ होते हैं। किसी का भी बुरा नहीं सोचते हैं। फिर भी आपके विरोधी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके विरोधी आपको हर तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश में भी पीठ पीछे लगे रहते हैं। आप लोग जोखिम उठाने में भी पीछे नहीं रहते हैं। दिखावा करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाते हैं। वैवाहिक जीवन आपका कलापूर्ण ही निकलता है। जीवन साथी की सेहत भी अक्सर खराब रहती है। अकेलापन आपके जीवन में हमेशा दिखाई देता है। 14 से 16 वर्ष की उम्र में आपकी पढ़ाई में भी रुकावटें आती हैं। अक्सर इस समय में बच्चे भटक भी जाते हैं और उनका खराब प्रदर्शन पढ़ाई में रहता है। आप लोग रिसर्च, मेडिकल, टेक्निकल, ऑकल्ट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी आप लोग आगे रहते हैं। अपने काम में हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जॉब हो या बिजनेस, दोनों में ही आपको सफल देखा गया है। 13 जनवरी को जन्मे हैं आप, तो आपका मूलांक बनता है 4 और 4 का अंक है राहु का। लेकिन आप लोग मूलांक 4 वालों से थोड़ी अलग एनर्जी लिए होते हैं, क्योंकि आपकी बर्थडे में, आपकी बर्थ डेट में 1 और 3 का अंक भी शामिल है। 1 का अंक सूर्यदेव और 3 का अंक गुरु बृहस्पति। सूर्य और गुरु दोनों की एनर्जी मिलने से यहाँ पर राहु की उत्पत्ति हुई है। सूर्य और गुरु दोनों ही सात्विक ग्रह हैं, राजसी ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, जबकि राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम की स्थिति देता है, जिस कारण आप लोगों को भी भ्रमित अवस्था में ज्यादा देखा गया है। आप लोगों के पास लीडरशिप क्वालिटी होती है। काम को आप बहुत ही यूनिक तरीके से करना चाहते हैं। आपकी कमांडिंग नेचर है, इंटेलिजेंट बहुत हैं। पेशेंस के कारण आप लोगों को प्रभावित भी कर लेते हैं। कुछ ना कुछ सीखते रहना, क्यूरियोसिटी बहुत होती है आपके अंदर कुछ भी जानने की। लेकिन राहु के शंकालु स्वभाव होने के कारण, भ्रमित होने के कारण समय पर आप एक्शन नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। बहुत ही शंकालु हो जाते हैं और इतने हो जाते हैं कई बार कि नेगेटिव हो जाते हैं, इसीलिए आप में नेगेटिविटी भी ज़्यादा देखने को मिलती है। आप 13 अंक वालों को इस पर काम करना चाहिए। अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव में रखना चाहिए। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपको सूर्य और गुरु से मिलने वाली एनर्जी को बहुत तेजी से ग्रहण करना चाहिए और अपनी लाइफ में, जिस कारण आप एक नई दिशा प्रदान कर पाएंगे। आप लोगों के पास धन की कमी नहीं होती। नाम, मान, सम्मान सब कुछ होता है आपके पास, लेकिन फिर भी आपकी किसी से नहीं बनती। हर बात में आप अपना कंट्रोल चाहते हैं, बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं, इसीलिए अकेलेपन की शिकार भी रहते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और अग्रेसिव होकर कोई ना कोई रिएक्शन कर जाते हैं। फिर आप इम्पेशेंस हो जाते हैं। जो भी काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ उथल पुथल मची रहती है। आपको यहाँ समझना होगा कि राहु कलयुग का राजा है। अगर आप अपने राहु को बैलेंस कर लेते हैं तो इस भौतिक जीवन में धन देने वाला ये सबसे एकमात्र अंक है। आपको यहाँ अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना होगा, पेशेंस रखनी होगी, अपने प्रियजनों, अपने पार्टनर को स्पेस देना होगा, ओवर पजेसिव होने से बचना होगा, अपनी जिद और इगोस्टिक नेचर पे, अपने एग्रेशन पे काम करना होगा, लोगों के साथ मिक्सअप होकर रहना होगा, तभी आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के साथ साथ अपने पारिवारिक जीवन में भी अच्छा कर पाएंगे। 13 जनवरी को जन्मे हैं आप। जनवरी का महीना मकर राशि से प्रभावित है, इसलिए आपकी सूर्य राशि बनती है मकर, यानी कि कैप्रिकॉन। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है, आपके सोशल स्टेटस को दर्शाती है। आपकी समाज में छवि कैसी रहेगी ये सूर्य राशि बतलाती है। यहाँ आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने भाग्यांक के नंबर को दिमाग में रखकर चूज करें। हमारी बर्थ डेट हमारी नेचर को दर्शाता है, जबकि भाग्यांक, जो कि ईश्वर द्वारा दी गई डेस्टिनी है,
हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी है वो। तो आप स्टूडेंट्स को मकर राशि के शनि और जो आपकी डेस्टिनी है उसके अनुसार अपने कैरियर का चुनाव करें, तभी आप मंजिल अपनी आसानी से सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाएंगे। शनि देव जो कि न्याय के देवता माने जाते हैं, कर्म प्रधान ग्रह हैं, आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही उनसे फल पाओगे। काले रंग के शनि देव, उन पर कोई भी दूसरा रंग नहीं चढ़ता है, वो वैसा ही फल देते हैं जैसे आप कर्म करते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर समस्या का समाधान 2 से 3 सेशन में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 13 जनवरी को जन्मे लोगों के बारे में और भी अधिक गहराई से। आप लोगों का मूलांक बनता है 4, 4 का अंक राहु और जनवरी का महीना शनि देव के प्रभाव में आता है। राहु और शनि दोनों ही पाप ग्रह हैं, दोनों ही क्रूर ग्रह माने गए हैं, दोनों ही ग्रह रात्रि में बलि होते हैं। शनि का वर्ण श्याम है तो राहु का चमकीला गहरा नीला। शनि अंधेरे का ग्रह है तो वहीं राहु भी एक माया है, जिस कारण शनि और राहु का संबंध नकारात्मक शक्तियों को पैदा करता है। किसी न किसी बात को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, नकारात्मक सोच रखने वाले हो जाते हैं, हर काम में फिर इनके बाधा आने लगती है, अपने ही डिसीजंस पर अपनी ही बातों को लेकर ये भ्रमित हो जाते हैं। संतान सुख में भी इनके काफ़ी समस्या आ सकती है। रिश्तों के प्रति या तो इन्हें धोखा मिलता है या फिर कलहपूर्ण स्थिति बनी रहती है। इनकी शिक्षा में भी बाधा आ सकती है, लाइफ में इन्हें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जिस घर में, जिस भाव में शनि और राहु बैठे होते हैं उस घर से संबंधित कार्यों में, उन रिश्तों में काफ़ी बाधाएं आती हैं। अचानक से ऐसा कुछ हो जाना जिसके बारे में दूर दूर तक कोई आपको अंदेशा ही ना हो, ऐसा हो सकता है। भारी नुकसान हो जाना, शनि और राहु की दशा काल में एक के बाद एक मुसीबतें आती जाती रहती हैं। जीवन के उत्तराल में यानी कि 45 से 47 की उम्र के बाद आप लोगों की लाइफ में सुखद परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन आने शुरू होते हैं, तब जाकर आप अपनी लाइफ को एक सही दिशा की ओर लेकर जा पाते हैं। शनि से हम मकान वाहन का सुख भी देखते हैं, शनि से हमारे कार्य क्षेत्र को देखा जाता है, शनि हमारे कर्म प्रधान ग्रह हैं। वहीं दूसरी ओर राहु को आकस्मिक लाभ का कारक माना गया है, राहु को कलयुग का राजा माना गया है। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी राहु है, राहु से ऑनलाइन सोशल मीडिया और यहां तक कि विदेशों से संपर्क। अगर आपका राहु अच्छा है तो आप इन सब से अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। राहु व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित भी कर सकता है और व्यक्ति की बुद्धि को एक टेक्निकल पॉइंट भी दे सकता है। राहु से कबाड़ भी देख सकते हैं, बिजली से संबंधित कार्यों को भी देख सकते हैं। राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह को दूषित अवश्य करेगा, यानी कि वो ग्रह अपने शुभ फल नहीं दे पाएगा। शनि और राहु अगर एक साथ बैठे हों तो ऐसे लोगों पर टोने टोटके बुरी नज़र, बहुत जल्दी बुरी नज़र का साया पड़ता है। पेरेंट्स को अपने बच्चों पर नज़र रखनी होगी, उन्हें विशेष रूप से पालन पोषण देना होगा ताकि ऐसे बच्चों की बुद्धि एक सही दिशा में कार्य कर सके। आप लोगों के मित्र अंक बनते हैं 6 और 8। 6 का अंक यानी कि शुक्र और 8 का अंक शनि। आपके लिए सम राशि है 3, 5 और 7। 3 का अंक गुरु का, 5 का अंक बुध और 7 का अंक केतु का। आपके शत्रु अंक बनते हैं 1, 2 और 9। 1 का अंक सूर्य, 2 का अंक चंद्र और 9 का अंक मंगलदेव। आपके लिए शुभ तिथियां हैं 4, 13, 22 और 31, 6, 15 और 24। आपके लिए शुभ दिन हैं मंगल, शुक्र और शनि। आपके लिए शुभ रंग हैं
डार्क ब्लू कलर, चमकीला नीला रंग, ग्रे कलर, ब्राइट कलर। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी, घनिष्ठता उन लोगों के साथ ज़्यादा देखी गई है जो आपके अपने ही समय में पैदा हुए हों, यानी कि 21 जून से 27 जुलाई, 21 जुलाई से 27 अगस्त और 21 दिसंबर से 27 जनवरी के मध्य जनवरी लोगों के साथ आपकी दोस्ती और कंपैटिबिलिटी अच्छे सामंजस्य के साथ देखी जा सकती है। और वहीं 21 अप्रैल से 27 मई, 21 अगस्त से 27 सितंबर के मध्य जन्मे लोगों के बीच आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रह सकते हैं। अगर आप इसी समय के बीच में 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो वो भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।